गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द डीसीएम टेस्ट सीरीज। ठीक है, जिसके अंदर हम फिजिक्स 16 जो मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर बेस्ड आपका ये पेपर है उसका टेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्लियर। इस यूनिट में बेटा नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, इज इट क्लियर। ठीक है, और पेपर जो है बच्चों काफ़ी सिंपल है, नीट लेवल पर और एनसीईआरटी बेस्ड को देखते हुए बनाया गया है, तो आई होप आपका पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस का कुछ सॉल्यूशन डिस्कशन में लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ़ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन मूव विद द वेलोसिटी वी एंड टू वी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली द रेशो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि अल्फा कर्ण और न्यूट्रॉन का वेग क्रमशः वी और टू वी है, तो इनसे संबंधी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, हम एक बार जानते हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो होता है दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू वी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लैम्डा जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एम अपॉन वी। तो आपको यहाँ पर लैम्डा अल्फा पार्टिकल और लैम्डा न्यूट्रॉन इसका रेशो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है बच्चों वो प्रोटॉन के मास का डबल होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 mp। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है प्रोटॉन के मास का 4 times होता है, क्लियर। इसके अलावा आपको वेलोसिटी दे रखी है, तो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी बेटा 2 v है और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एमपी से एमपी कैंसिल हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका 1:1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट गया बच्चों, हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन, इन द डिविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेंड। ठीक है, कंडीशन आपको दे रखी है, तो डिविशन जर्मन के प्रयोग में अधिकतम तीव्रता आपको कब प्राप्त होती है, तो हम सब जानते हैं यहाँ पर अगर डिविशन जर्मन की बात करें एक्सपेरिमेंट की, क्लियर, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो कंडीशन बनती है, क्लियर, जब आप इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन मिलती है कितने वोल्ट पे मिलती है, 54 वोल्ट पे मिलती है। ठीक है, और ये जो एंगल होता है दिस वन एंगल, ठीक है, दैट विल बी अकर 50 डिग्री, कितना डिग्री का मिलता है हमको बच्चों, 50 डिग्री का। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस बेटा आपको फिजिक्स सीखो और सीएलसी की जो गुरु नीति है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर डिस्कशन में लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द प्रोटोन एक्सेलेरेट थ्रू अ पोटेंशियल वी, ठीक है, एज द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल व्हेन एक्सेलेरेटेड विद द सेम पोटेंशियल विल बी। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि विभव वी से त्वरित प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपको लैम्डा दे रखी है, तो समान विभव वी से त्वरित अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, तो हम एक बार जानते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू क्या लिखा जाता है, एच अपॉन अंडर रूट 2 mq × v। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज जो है बेटा v की वैल्यू कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू जो है वो m अपॉन v के इन्वर्स में चली गई, m अपॉन 1/√mq हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, हमको इसके अंदर वेवलेंथ जो कैलकुलेट करना है वो अल्फा पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना है, और प्रोटॉन के लिए आपको यहाँ पर लैम्डा दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पर आप अंडर रूट में ले लेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, इसके नीचे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगा जो 4 times होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन बेटा ई हो गया, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज बच्चों 2e के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 1/√8, जिसको आप लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया आप ये सॉल्यूशन, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2√2। ठीक है, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन चला गया आपका थर्ड ऑप्शन, इज इट क्लियर। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कशन में देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन
एट द 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज लैम्डा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ एट द टेम्परेचर 927 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 27 डिग्री टेम्परेचर पर अगर न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो 927 डिग्री सेंटीग्रेड तरंग दैर्ध्य पर वेवलेंथ का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों हम सब जानते हैं एक उदासीन कण होता है, ठीक है, जिसकी गति जो होती है वो तापायनिक गति तापी ऊर्जा के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा का मान जो होता है एटा अंडर रूट टी के वृत्तकमानुपाती चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन आ गया हमारे पास लैम्डा टू डिवाइड बाय लैम्डा वन विल बी इक्वल टू द टी वन डिवाइड बाय टी टू, ठीक है। तो टी वन टेम्परेचर और टी टू टेम्परेचर बच्चों याद रखने हमको यहाँ पर कैलविन में चेंज रखने हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में बिल्कुल नहीं रखेंगे हम। तो जब आप कैलविन के अंदर रखोगे टेम्परेचर तो इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा आपका 300, फाइनल टेम्परेचर 927 को आप कैलविन में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1200, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल वेवलेंथ जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2, ठीक है, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर, आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस बेटा आपको फिजिक्स सीखो में मिल जाएंगे, ठीक है, और सीएलसी की गुरु नीति है उसके अंदर भी मिलेंगे। प्लीज़ इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, इसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम यहाँ पर। द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट, मैटर वेव की वेवलेंथ किस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, क्लियर। यानी तरंग दैर्ध्य जो है यहाँ पर, क्लियर, तरंग दैर्ध्य का मान जो है, तरंग द्रव्य तरंग का मान जो है तरंग दैर्ध्य के किस मान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं बच्चों यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है लैम्डा इक्वल टू, क्या लिखते हैं बच्चों, एम एच अपॉन एम वी, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और मास इनटू वेलोसिटी जो होता है बेटा वो मोमेंटम होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा आपका, यहाँ पर चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज 2 × 10⁻⁶ इज इट क्लियर। तो आपको यहाँ पर जो है फोटोन जो है, क्लियर, उसका मोमेंटम दे रखा है और आपसे पूछ लिया गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी आपको एक फोटोन का संवेग दे रखा है, ठीक है, और आपसे इसकी ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों हम E बराबर क्या लिखते हैं, E बराबर लिख दिया जाता है एम सी स्क्वायर, या फिर आप इसको एम इंटू सी इंटू सी भी लिख सकते हैं, या फिर ये वैल्यू किसके बराबर लिखी जा सकती है, पी इंटू सी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमको एनर्जी की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पी का मान आपको दे रखा है बेटा 2 × 10⁻⁶, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू आपको सीजीए सिस्टम में दे रखी है, ठीक है। अब सीजीए सिस्टम के अंदर जब आप स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 10⁻⁶ बचेंगे, और बच्चों यूनिट क्या लग जाएगी यहाँ पर, अर्ग लग जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा इसके अंदर हमारा, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगी ये बात हमको यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, क्लियर, क्या लिखा हुआ है। व्हेन द लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, वो सिर्फ केवल फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कि जो फोटोन जो फॉल हो रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो द टाइम फॉर विच द लाइट फॉल ऑन द मेटल, गलत हो गया ऑप्शन आपका, फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यस यही ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर, सही है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, वो हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। जब प्रकाश एक धातु की सतह पर आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, ठीक है।
तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ केवल एमिटेड फोटोन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है क्लियर, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा का मान जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ केवल आपतित आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ठीक है क्लियर, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हम वो हम देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक धातु की सतह से उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बेटा तभी पॉसिबल होता है जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल या उससे मोर देन ही होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं बेटा हम इसके अंदर। ओनली इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, यानी केवल तब जब आपतित विकिरण की आवृत्ति एक दहली आवृत्ति की तुलना में अधिक हो। ठीक है, तो यही आपका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी कॉन्सेप्चुअल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कशन में लेते हैं। यस, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम डिस्कस करें ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज गिवन एज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। ठीक है, यानी किसी धातु का अगर कार्य फलन आपको 4.2 दे रखा है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसकी दहली तरंग धेरे का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर हम दहली तरंग धेरे का मान निकालेंगे, ठीक है, तो हम एक बार जानते हैं यहाँ पर वर्क फंक्शन जो होता है इसको हम लिखते हैं एटा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर वर्क फंक्शन बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज में ले लेते हैं। लैम्डा नॉट इक्वल टू हो जाता है 1,24,00 डिवाइड बाय वर्क फंक्शन जो आपको दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और बच्चों ये आंसर डायरेक्ट किस में निकल कर आता है, एंगस्ट्रॉम में निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,955 एंगस्ट्रॉम के क्लोज में। ठीक है, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये हमको क्वेश्चन क्लियर हो गया, कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब डिस्कस करते हैं। क्लियर, यस, देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज गिवन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है, वेवलेंथ की वैल्यू आपको 3000 एंगस्ट्रॉम दे दी है। इस इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस द वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है, यानी एक धातु का प्रकाश विद्युत फलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तरंग धैर्य का मान जो है 3000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार जानते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा ½ mv². ठीक है, जो किसके बराबर होगी, ये एनर्जी होती है दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, तो फोटोन की एनर्जी जो हो जाएगी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी दे रखी है, आप इसको 1.6 × 10 की पावर, अच्छा आपको इसके अंदर यहाँ पर वेवलेंथ मिल गया है। ठीक है, वेवलेंथ दे दिया गया है यहाँ पर, ये देखो ये आपको वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सीधे आपको अगर वेवलेंथ पता है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर SC/λ - वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज बच्चों हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे एच की वैल्यू आपने पुट कर दी 6.63 10 की पावर -34, सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8, कैलकुलेशन बनेगी बेटा यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आप रख सकते हैं 3 × 10 की पावर -7। ठीक है, और वर्क फंक्शन जो है इसको हमने जूल में चेंज कर लिया, ठीक है, -19। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेटा जो जूल में लिखी जाती है। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो 9 × 10 की पावर -31 होगा, और ये आपके पास v² है। ठीक है,
तो ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद बेटा सिंपल सा एक कैलकुलेशन है आपका, जो आंसर आ जाएगा इसके अंदर वी की वैल्यू जो फाइंड आउट हो जाएगी ये आ जाएगी 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन में लेते हैं। यस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस आपको कितना दे दिया यहां पर, 5.01 दे रखा है, ठीक है। फाइव पॉइंट जीरो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पर, क्लियर। एंड द फोटो इलेक्ट्रिक आर एमिटेड वेन द लाइट ऑफ द वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ भी दे रखी है क्वेश्चन में, 2000 एंगस्ट्रॉम है। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट न्यूट्रॉन, यानी अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना विभव लगाना पड़ेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कार्यफलन का मान गिवन है हमको, आपको तरंग धैर्घ्य का मान गिवन है, ठीक है, और आपको यहाँ पर निरोधी विभव कैलकुलेट करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है बेटा, हम क्या लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी नॉट के इक्वल लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आप देखो यहाँ पर ई वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ई वी नॉट। अब फोटोन की एनर्जी आप लिख सकते हैं बेटा 1,24,00 डिवाइड बाय 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और इसमें से आपको सबट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पर क्या सबट्रैक्ट करेंगे, 5.01 को सबट्रैक्ट करेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है किसमें निकल कर आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आएगी, ठीक है। तो एक तरीके से हमने ई से ई यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2,0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप 2 का डिवाइड करोगे 10 बार जाएगा, और ये वैल्यू 62 हो जाएगी डिवाइड बाय 10, तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू द 6.2 माइनस 5.0901, ठीक है। तो इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है नियरली इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर विभव कैलकुलेट करा है, पोटेंशियल कैलकुलेट करा है, तो हम यहाँ पर यूनिट लगा देंगे वोल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन चला जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर है आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलो और देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर। क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, अ सोर्स ऑफ द लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फाउंड टू बी वी नॉट, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द फोटो सेल इज मेड बाय द 25 सेंटीमीटर द न्यू वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, ठीक है। यानी प्रकाश विद्युत सेल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है तथा निरोधी विभव का मान वी नॉट पाया जाता है। यदि प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश विद्युत सेल के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर कर दी जाए तो निरोधी विभव का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो जो है वो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से 25 कर दें या 25 से 50 सेंटीमीटर करोगे, ठीक है, तो इंटेंसिटी इफेक्टेड होती है, नंबर ऑफ फोटोन्स इफेक्टेड होते हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इफेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। तो पहले वाली सिचुएशन में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, तो नेक्स्ट सिचुएशन में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वी नॉट ही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया बच्चों ये हमारा यहाँ पर। तो बच्चों अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्लियर। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल, ठीक है, वर्क फंक्शन बच्चों आपको यहाँ पर डब्ल्यू नॉट दे रखा है, ठीक है ना, क्लियर। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है लैम्डा नॉट दे रखी है, क्लियर। वॉट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज डब्ल्यू नॉट अपॉन टू, ठीक है। तो आपको म्यू नॉट कार्यफलन धातु के लिए डेली तरंग दे रखी है, अगर यहाँ पर कार्यफलन का मान आधा हो जाएगा तो आपको डेली तरंग दे का नया मान क्या होना चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्लियर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, हम एक बार जानते हैं डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, एस सी अपॉन लैमडा नॉट, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पर तरंग दैर्ध्य जो है अगर वर्क फंक्शन हाफ हो जाएगा तो वेवलेंथ जो होगी बच्चों यहाँ पर डबल हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर लग गया, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, ठीक है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम सब जानते हैं बेटा यहाँ पर कि आई की वैल्यू जो होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दैट विल बी द प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ठीक है। तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इज प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी के क्या होता है, प्रपोर्शनल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा का मान जो होगा बेटा बढ़ जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन बच्चों ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। यस देखें अच्छा क्वेश्चन है ये भी, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल इज गिवन, आपको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट है उसकी भी फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी, आपको कट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दैनिक आवृत्ति का मान दे रखा है, ठीक है, आपको आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दे रखा है, और आपको ये बताना है कि निरोधी विभव का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, कार्यफलन और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं बेटा उनकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से हम यूज़ में लेंगे, तो आप देखो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन दैट विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, निरोधी विभव कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर ई पी इक्वल टू लिख सकते हैं वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी एच म्यू, ये वैल्यू हो जाएगी एच म्यू नॉट, ये हो जाएगा ई वी नॉट के बराबर, ठीक है। तो अगर आप वी नॉट का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये एच बाई ई म्यू माइनस म्यू नॉट के इक्वल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो बच्चों यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज गिवन है, तो H की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 6.63 10 की पावर माइनस के 34, E की वैल्यू रख देंगे 1.6 10 की पावर माइनस 19, और फ्रिक्वेंसीज बेटा आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, तो आप 8.2 माइनस 3.3, और इसमें मैंने 10 की पावर 14 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन के अंदर आपको थ्रेशोल्ड जो है आपको यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करने के लिए जो निरोधी वो होता है जिसको हम कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी 2 वोल्ट के नियरली, ठीक है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। यस ये भी एक थ्योरेटिकल अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है देखो, इसके अंदर यहाँ पर आपको लिखा है व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज डिक्रीज, ठीक है। अगर आप वेवलेंथ को डिक्रीज कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर, तरंग दैर्ध्य को अगर हम करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग कम हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा, ठीक है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विद्युत धारा घट जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग गया बच्चों यहाँ पर, अगर लैम्डा की वैल्यू कम करेंगे तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर वर्क फंक्शन जो होता है डब्ल्यू नॉट वो वैल्यू तो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, तो जब एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा तो इसका इफेक्ट पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन चला जाएगा सेकंड ऑप्शन चला जाएगा वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ठीक है, यानी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस में लेते हैं हम, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं बेटा ये यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल भी हैं, ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला आ गया।
व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वेवलेंथ आपको गिवन है जो लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे दिया है, वी दे दिया है फॉर द सेम सरफेस। इसका मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, द रेडिएशन विल बी फॉल ऑफ द वेवलेंथ टू लैम्डा। ठीक है, एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल अकर वी बाय फोर। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, आपको यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो टू इक्वेशंस हम यहाँ पर बना सकते हैं बच्चों। अगर पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन हम अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो एक इक्वेशन हो जाएगी बच्चों आपकी यहाँ पर एच सी डिवाइड बाय लैम्डा इसकल टू एच सी डिवाइड बाय लैम्डा नॉट प्लस ई, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जो दे रखा है वी के इक्वल है। ठीक है, तो एक इक्वेशन बच्चों हमारे पास ही आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के अंदर हम वेवलेंथ टू लैम्डा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एस सी अपॉन टू लैम्डा, ये वैल्यू हो जाएगी एटा एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अब हम वैल्यू रख सकते हैं वी बाय फोर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया है, क्लियर। अब ये टू इक्वेशंस हैं जिनको हम क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे अगर आप डिवाइड करोगे, क्लियर, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लैम्डा नॉट की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको लैम्डा नॉट फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू जो है 3 लैम्डा के इक्वल निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर, इक्वेशंस हैं, सिंपल इक्वेशंस हम बनाते भी हैं इस टाइप की इक्वेशंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन में लेते हैं हम, क्लियर। यस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला। ठीक है, क्या लिखा है, सोडियम तथा तांबे के कार्य फलन का मान आपको दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इनकी दैहिक तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर वर्क फंक्शन जो होता है, ठीक है, वो दैहिक तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम यहाँ पर कि दैहिक तरंग दैर्ध्य जो है वो वर्क फंक्शन के रिवर्स में है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर लैम्डा सोडियम के लिए और लैम्डा तांबे के लिए अगर हमको कॉपर के लिए बात करना है तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा वर्क फंक्शन। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4.5, यहाँ पर वैल्यू आ गई 2.3। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये रेशो नियरली आपका 1:2:1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, क्लियर, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ये नीट लेवल्स के ऊपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कशन में लिए हैं। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो सैचुरेटेड करंट होता है, ठीक है, यानी संतृप्त धारा का मान जो होता है, ठीक है, किस पे निर्भर करता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड करंट जो होती है बेटा दैट विल बी डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ठीक है, इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन आएगा सेकेंड ऑप्शन। इज इट क्लियर, चलो बच्चों और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोर अप कर देते हैं। ठीक है, यस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल। क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, द लाइट ऑफ द फ्रिक्वेंसी 4 μ0 इज इंसिडेंट ऑन द मेटल ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी μ0। ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है, तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है बेटा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के इक्वल, क्लियर। तो आपको यहाँ पर लाइट की फ्रिक्वेंसी 4 μ0 दे दी है, दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 μ0 माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास 4 है, तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 μ0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एच 4 μ0। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंस देख लेंगे यहाँ पर, सिंपल सा आ जाएगा डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू 3 एच म्यू नॉट के इक्वल आएगा। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसके अंदर, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर, सिंपल सा एक क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इसके अंदर अब देखो एक्सरे वाला हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन में ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, द एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट 50 किलो वोल्ट, ठीक है, द मिनिमम वेवलेंथ विल बी प्रोड्यूस इट, ठीक है, आपको मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय वोल्टेज, ठीक है। तो ये वोल्टेज बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 1250 डिवाइड बाय 50 किलो लिखा हुआ है, तो इसको हम बेटा चेंज कर लेंगे 1000 लिख करके, ये 20 आपने यहाँ पर कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है, क्लियर। फिर आप इसको 5 की टेबल से यहाँ पर कट कर सकते हैं, ये 10 बार चला जाएगा, ठीक है, ये आपका 25 बार चला जाएगा और इसके अंदर 100 का डिवाइड हो जाएगा, तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.25 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर, सिंपल सा एक एक्सरे वाला क्वेश्चन में हमारा ये बनता है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन चला जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी हमारा एक्सरे का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अभिलाक्षणिक एक्सरे निम्न में से किस कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी करेक्टरिस्टिक एक्सरे आर प्रोड्यूस ड्यू टू, तो बेटा करेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होती है जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब एटम को क्रॉस करके एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन पर ट्रांजिशन जो होता है वो लो एनर्जी लेवल के अंदर होता है, ठीक है, और ये जो एनर्जी गैप होता है दैट विल बी अकर इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मोमेंट इन द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट एटम, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट इन द एटम, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, यानी परमाणु में उच्चतर इलेक्ट्रॉनिक कक्षा से निम्न इलेक्ट्रॉनिक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एक देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया हमारा यहां पर, व्हेन द एक्सरे पासेस थ्रू अ स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन दे विल बी, यानी जब एक्स किरण किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है तो क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बात बता देते हैं, एक्सरे जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, तो ये जो वेव्स होती हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो या मैग्नेटिक फील्ड से पास हो तो इनके अंदर कोई डिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द एक्सरे व्हेन इट इज पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा बच्चों इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड एट ऑल, ठीक है, यानी बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इस क्वेश्चन के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर द प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के गामा, ठीक है, एक्सरे, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज, यानी अभिलाक्षणिक के गामा एक्सरे के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर अगर हम संक्रमण की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो हम एक डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पर, क्लियर, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। जब ट्रांजिशन सेकंड से फर्स्ट में होता है तो आपको पता है बेटा के अल्फा लाइन मिलती है, थर्ड से फर्स्ट में होगा तो के बीटा लाइन होगी और अगर फोर्थ से फर्स्ट में होगा तो के गामा लाइन होती है, ठीक है। तो के गामा लाइन के अगर हमको रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ पर, ठीक है, के गामा हमको ऑब्टेन होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से लेकर के फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्लियर हो गया ये यहाँ तक। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर, 25 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द एक्सरे ट्यूब इज 5 किलो वोल्ट एंड द करेंट थ्रो इट इज 3.2 मिली एम्पियर, ठीक है, देन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड, यानी एक्सरे नलिका पर आरोपित विभवांतर 5 किलो वोल्ट है और इसमें प्रवाहित धारा का मान 3.2 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है
लक्ष्य पर प्रति सेकंड टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम वैसे जानते हैं बेटा धारा जो होती है बेटा करंट आई, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, एन ई डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पर सेकंड कोलाइड करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर एन बाय टी ये वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी आई अपॉन ई के बराबर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है जो 3.2 मिली एम्पियर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता है। ठीक है, तो आप देखो ये 1.6 से ये तो आपका 2 बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस 19 को आप ऊपर ले जाओगे प्लस 19 हो जाएंगे, 19 माइनस 3 जो होगा आपका प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास फिगर आ जाएगा ये 2 × 10^16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जो है वो कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच्चों क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब यस देखते हैं यहाँ पर द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डिक्रीज व्हेन। ठीक है, एक्सरे की वेवलेंथ कब डिक्रीज होगी, यहाँ पर एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कब डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा एनर्जी का। ठीक है, कि अगर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सरे फोटोन जो है इसकी एनर्जी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और एक्सरे फोटोन की एनर्जी कब इंक्रीज होगी, जब टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो और ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक करे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टेम्परेचर ऑफ टारगेट इंक्रीज, गलत हो गया। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज इंक्रीज, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट इज इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही चला गया यहाँ पर, यानी लक्ष्य से टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्लियर, चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक्सरे कूलिज ट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे फ्रॉम अ कूलिज ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ एज शो इन द फिगर। द मिनिमम वेवलेंथ इज फाउंड लैम्डा सी एंड द वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ के लैम्डा लाइन, ठीक है, इज लैम्डा के। एज द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज, ठीक है, आप एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस ग्राफ के अंदर कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हम एक बार जानते हैं कि लैम्डा जो होता है, ठीक है, लैम्डा सी की जो वैल्यू हो गई, क्लियर, दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द वोल्टेज। क्लियर, इसका मतलब यह है कि अगर वोल्टेज जो है अप्लाइड वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करोगे तो लैम्डा सी वैल्यू जो है यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, जिसके ऊपर लैम्डा सी पॉइंट लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, ये शिफ्ट होता जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये वाली लाइन आपके लैम्डा के हो गया है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ट्रांजिशन के अंदर तो यहाँ पर कोई चेंजेस हो नहीं रहे हैं। ठीक है, सिर्फ केवल आप एक्सीलेटिंग वोल्टेज को यहाँ पर चेंज कर रहे हो, तो सिर्फ केवल लैम्डा सी जो है ये वैल्यू जो है वो चेंज होगी और डिक्रीज होगी, और अगर डिक्रीज होगी तो दैट पॉइंट विल बी शिफ्ट टूवर्ड्स द ओरिजिन, और अगर ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा तो इनके बीच का ये जो गैप है, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं लैम्डा के माइनस लैम्डा सी, ये वाला गैप जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑप्शन चला जाएगा, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा सीधे लैम्डा के माइनस लैम्डा सी विल बी इंक्रीज। इज इट क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये भी थ्योरेटिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस में लेते हैं। यस, क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज विजिबल रीजन। ठीक है, तो विजिबल रीजन की सीरीज कौन सी होगी, यानी कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य क्षेत्र के अंदर आती है। ठीक है, तो दृश्य क्षेत्र यानी विजिबल रीजन के अंदर बेटा जो श्रेणी आती है वो कौन सी होती है, आपकी बामर सीरीज होती है। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ, फर्स्ट जो सीरीज डिस्कवर की गई थी, ठीक है, वो बामर सीरीज ही है। ठीक है,
तो आपको अगर ये पूछा जाए कि विच सीरीज फर्स्टली विल बी डिस्कवर्ड, दैट विल बी द बामर सीरीज, ठीक है, एंड द सीरीज विच इज कम इन द विजिबल रीजन, दैट विल बी ऑल्सो द बामर सीरीज, ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ हाइड्रोजन एटम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल बी वेवलेंथ एमिटेड फोटोन इज मिनिमम, ठीक है, यानी किस ट्रांजिशन के लिए आपको वेवलेंथ जो है मिनिमम मिलनी चाहिए, ठीक है, यानी हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से किस संक्रमण के लिए उत्तेजित फोटोन की तरंग दैर्ध्य का मान न्यूनतम होगा, ठीक है। तो वापस से यहाँ पर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लग गया बेटा, अगर लैम्डा की वैल्यू कम चाहिए तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होगी, और फोटोन की एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी से किस में हो, लो एनर्जी लेवल में हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी गैप बनाना चाहें तो आप देखो ये n इक्वल टू 1 हो गया है, ठीक है, ये n इक्वल टू 2 हो गया है, फिर इसके बाद n इक्वल टू 3 लिखते हैं हम, फिर इसके बाद n इक्वल टू 4 लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर हायर ऑर्बिट के अंदर जाते जाते हैं बेटा, ठीक है, तो ऑर्बिट की एनर्जी तो बढ़ती जाती है, बट द गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स दैट विल बी डिक्रीज, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट के बीच में गैप जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इससे कम गैप आपको 3 और 2 के बीच में मिलेगा, इससे कम गैप आपको 4 और 3 के बीच में मिलेगा, ठीक है, और अगर आप 5 भी लेते हैं यहाँ पर तो गैप और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो एट द हायर एनर्जी लेवल, एट द हायर ऑर्बिट नंबर, आप ऑर्बिट नंबर जितना इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट तो इंक्रीज होती है, ठीक है, बट द एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स कंटिन्यूसली डिक्रीज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी गैप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वो सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो 5 to 4 सबसे कम हो जाएगा, 4 से 3 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 3 से 2 थोड़ा और ज़्यादा होगा, लेकिन 2 से 1 का जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा बनेगी और लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर चला जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, ये कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर करा है, थ्योरी भी हमने साथ में लिया यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द 4th ऑर्बिट टू द 2nd ऑर्बिट, ठीक है, 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है। गिवन द रिडबर्ट कॉन्स्टेंट इज 10^5 सेंटीमीटर इनवर्स, द फ्रिक्वेंसी इन द हर्ट्स ऑफ द एमिटेड रेडिएशन विल बी, आपको फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यानी हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4th कक्षा से 2nd कक्षा के अंदर कूदता है, रिडबर्ट नियतांक आपको दे रखा है, तो उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बच्चों यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू लिखा जाता है एटा आर डिवाइड बाय 1 अपॉन n1² - n2², ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4th ऑर्बिट से लेकर के 2nd ऑर्बिट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एटा 1/4 का स्क्वायर, क्लियर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा आर 1/4 - 1/16, ठीक है। तो एलसीएम बच्चों जो आपका यहाँ पर 16 आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपका 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा, तो दिस वन वैल्यू इक्वल टू 3r/16, ठीक है। तो अगर लैम्डा वैल्यू आप लिखते हैं, वेवलेंथ पूछता है किसी क्वेश्चन में, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/16/3r। लेकिन हमसे बेटा इस क्वेश्चन के अंदर वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं करवा रहा, बल्कि हमको फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करा रहा है, ठीक है। तो वी नो दैट सी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, n λ लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू c/λ, ठीक है। तो आप c की वैल्यू रख सकते हैं एटा 3 × 10^8, ये हमने mks में वैल्यू रखी है, ठीक है। इसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 16/3r। अब r की वैल्यू भी बेटा हम यहाँ पर mks में रखेंगे जो 10^7 होगी, ठीक है। तो ये डाटा आपका रिवर्स होकर के ऊपर चला जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएंगे, तो 9/16, ठीक है, 7 ऊपर चले गए, 8+7 आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 के इक्वल हो जाएगा, तो ये 10^15 हर्ट्स,
ठीक है, और ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है। क्लियर, और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवा रहा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आई थिंक बच्चों इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन में देखते हैं टर्म। यस, क्या लिखा हुआ है? इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, ठीक है, ऑफ द बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम इज 6561 एंगस्ट्रॉन्ग, द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द सीरीज शुड बी। ठीक है, तो बामर सीरीज की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर एन इजकल टू वन, एन इजकल टू टू, एन इजकल टू थ्री, एन इजकल टू थ्री और एन इजकल टू फोर। ठीक है, तो बामर सीरीज के अंदर आपको फर्स्ट लाइन कब मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट से किसमें हो, सेकंड ऑर्बिट के अंदर, तो फर्स्ट लाइन बनती है बेटा वेवलेंथ की। और अगर ट्रांजिशन जो है फोर्थ से सेकंड में हो रहा है, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की आपको स्पेक्ट्रम लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको वेवलेंथ दे रखा है, सेकेंड लाइन के लिए आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर एक रिलेशन देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बेटा वन अपॉन लैम्डा वन इसकल टू आर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ1 इसकल टू हो जाएगा आर, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 माइनस 1/9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5R/36। ठीक है, तो लैम्डा वन कैलकुलेट हो जाएगा, तो लैम्डा वन का इक्वेशन आ जाएगा 36/5R। ठीक है, इसको चलो बच्चों मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ट्रांजिशन अगर सेकंड लाइन के लिए हमको वेवलेंथ चाहिए, तो सेकंड लाइन के लिए ट्रांजिशन फोर्थ ऑर्बिट से किस में होगा, सेकंड ऑर्बिट में होना चाहिए। ठीक है, तो सेम हम फॉर्मूला रिपीट कर देंगे 1/λ2 इसकल टू आर। अब ट्रांजिशन जो है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/λ2 इसकल टू आर 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो ये 1/λ2 इसकल टू हो जाएगा 3R/16। तो λ2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16/3R। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर टू। अब आपको ये λ2 फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन वन और टू दोनों का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब λ2/λ1, λ1 कितना ले लेंगे, 6561 इसकल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16/3R। क्लियर, λ2 वैल्यू, और λ1 जो है वो रिवर्स होकर के चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5R/36। आर से आर कैंसिल भी कर देंगे हम यहाँ पर, तो λ2 जो है ये हो जाएगा आपका 5 × 16/3 × 36 × 6561। ठीक है, तो ये बच्चों अब हमारे पास एक कैलकुलेशन है। ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4860 एंगस्ट्रॉम के इक्वल, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया अपना एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, द रेशो ऑफ द बोर रेडियस आर इन द रेशो, ठीक है, तो बच्चों बोर रेडियस जो होता है आर, जो होता है आर एन, दैट विल बी द प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट नंबर, या जिसको आप क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के लिए रेशियो लिखोगे, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1:4:9। ठीक है, तो ये ऑर्बिट के रेडियस का रेशो आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर बेटा कौन सी लाइन होती है? फर्स्ट लाइन जो हम सीरीज की पढ़ते हैं लाइमन सीरीज, यही आपकी जो होती है बेटा अल्ट्रा वायलेट के अंदर जाती है। ठीक है, बामर सीरीज मैंने अभी आपको बताया है विजिबल रीजन में जाएंगी, और बाकी की जो तीनों सीरीज होती हैं आपकी पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फोन सीरीज, दैट विल बी आर इन द इंफ्रारेड रीजन। ठीक
ठीक है। तो इसके अंदर बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा आपका लाइमन सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ लिथियम 7 एंड आयरन 56 ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर लिथियम 7 और आयरन 56 के नाभिक की त्रिज्याओं का क्या बताना है, अनुपात बताना है, ठीक है। तो हम एक बात जानते हैं कि न्यूक्लियस की रेडियस जो होती है वो किसके प्रपोर्शन में होती है बेटा, ए की पावर 1/3 के प्रपोर्शन में होती है। ए जो होता है बेटा यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिथियम के लिए रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस, और आयरन की अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर रेडियस, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7, यहाँ वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 56, और इसकी पावर कितनी लिखेंगे, 1/3। इसको आप कट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/8 की पावर 1/3, यानी कुल मिलाकर के 1/8 की पावर 1/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1:2 के इक्वल आएगी। तो इसके अंदर बच्चों हमारा ऑप्शन चला जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ लिथियम आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी, ठीक है। यानी हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखा है। तो हीलियम आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम हीलियम एटम की बात करें, एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर जो हम यूज़ में लेते हैं बेटा, जेड नंबर जो होता है 2 के इक्वल होता है। और अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो सेकंड ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 13.6, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी आप 2 का स्क्वायर बनाएंगे तो ये 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर वापस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया बच्चों ये। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा 36 नंबर का। एज पर द बोर मॉडल, द मिनिमम एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, टू द डबली आयनाइज लिथियम आयन। क्लियर। यानी बोर मॉडल के अनुसार द्विआयनित हीलियम परमाणु, जिसके लिए जेड का मान आपको दे रखा है बेटा कितना है, 3 के इक्वल है, ठीक है, कि निम्न स्तर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये किसके इक्वल होती है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेड की वैल्यू जो है ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है बेटा, जो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको मिनिमम एनर्जी बतानी है इसके अंदर, ठीक है, और डबल आयनाइज्ड है, ठीक है। डबल आयनाइज्ड होगा तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ही प्रेजेंट होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप ये जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्लियर। तो इसके अंदर हमारा बच्चों जो आंसर आएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द अनादर स्टेट, ठीक है। विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एन इक्वल टू, आपको बेटा 4 दे रखा है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम विल बी, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इसकी निम्न अवस्था में, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या 4 वाली अवस्था पर उत्तेजित किया जाता है, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल रेखाओं की संख्याओं का मान कितना होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है तो ये बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, आप एन स्क्वल टू लिख सकते हैं, स्मॉल एन, एन माइनस वन डिवाइड बाय 2, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आता है, ठीक है,
तो यहाँ पर n वैल्यू हो जाएगी 8 of 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 2 बार, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्पेक्ट्रम लाइंस पॉसिबल होंगी दैट विल बी इक्वल टू द 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा ये आपका 4th ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ वन ऑफ द रिलेशन इज द करेक्ट, ठीक है, बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिट वाइल एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। ठीक है, किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के आवर्तकाल और इस कक्षा की कक्षा संख्या यानी जिसको हम क्वांटम संख्या भी कहते हैं के बीच में संबंध क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों टाइम पीरियड जो होता है टी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम 2πr डिवाइड बाय वी, तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है किसके प्रोपोर्शन में चला जाएगा आपका, ये आर अपॉन वी के क्या हो गया, प्रपोर्शन में हो गया है। ठीक है, तो आर जो होता है एटा खुद एन स्क्वायर के प्रपोर्शन में होता है और वेलोसिटी जो होती है एटा वो 1/n के प्रपोर्शन में होगी, एन रिवर्स होकर के ऊपर चला जाएगा, तो टी जो है वो एन क्यूब के क्या होगा, प्रपोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा एटा, 3rd ऑप्शन हो जाएगा एन क्यूब। क्लियर, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, ठीक है, इन द स्कैटरिंग पार्टिकल्स 56 फॉर द 90 डिग्री एंगल देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यानी 90 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित कणों की संख्या आपको 56 दे रखी है, तो 60 डिग्री पर कितने कोण प्रकीर्णित यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा हम एक बात जानते हैं, स्कैटरिंग पार्टिकल्स जो होते हैं दैट विल बी द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाय 2, ये हमारा रिलेशन लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर N2 बाय N1 कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा 1 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वैल्यू है थीटा 1 एंगल 90 डिग्री दे रखा आपको। ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो ये 45 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पर थीटा 2 एंगल जो आपको दे रखा है एटा 60 डिग्री दे रखा है, इसका हाफ करोगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 1/40 sin 45 की वैल्यू 1/√2 इसकी पावर 4 डिवाइड बाय 1/2 और इसकी पावर भी 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 डिवाइड बाय 1/16। कुल मिलाकर के जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं N2 जो है दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ N1 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू N वैल्यू आपको बेटा कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो 6 इंटू 4 4 हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल विल बी एट द 60 डिग्री एंगल विल बी इक्वल टू द 224। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1st ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। If R is a Rydberg constant for the hydrogen, ठीक है, the wave number of the first line of the Lyman series will be, ठीक है, यदि R Rydberg नियतांक है तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Lyman श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए तरंग संख्या बतानी है, तरंग धैर्य नहीं बतानी, ध्यान रखें तरंग संख्या बतानी है हमको। ठीक है, तो वेव नंबर जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 1/λ हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी एटा R। अब आपको कौन सी सीरीज बोली गई है, लाइमन सीरीज बोली गई है और उसके लिए भी आपको फर्स्ट लाइन बोली गई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हो रहा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये वेव नंबर आ जाएगा आर 1 माइनस 1/4। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3R/4 के इक्वल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा आपका, ये सेकंड ऑप्शन हमको दिख रहा है 3R/4। इज इट क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शो द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल,
ठीक है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होता है, ठीक है, ऑफ द सेम एनर्जी बीइंग स्कैटर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम साइमल्टेनियसली, ठीक है, विच ऑफ दीज आर इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर अल्फा कणों का पथ जो है इनमें से कौन सा पथ पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं बेटा वो भी पॉजिटिव होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वो भी पॉजिटिव पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है। तो आप देखो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा, ये रिपेल हो गया, ये अल्फा पार्टिकल हुआ, ये रिपेल हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिपेल हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पर आप देखोगे तो ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, रिपल्शन ही पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो ये पाथ है, ये वाला पाथ जो है फोर्थ नंबर का पाथ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपसे नॉट पॉसिबल पूछा गया है। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये भी आपका एटॉमिक उसके ऊपर आ गया। हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट कम टू द ग्राउंड स्टेट बाय द एमिटिंग अ फोटोन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, इफ आर इज द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी एन। यानी हाइड्रोजन परमाणु में लैम्डा तरंग दैर्ध्य का फोटोन उत्सर्जित करके उत्सर्जित अवस्था से मूल अवस्था में आता है, यदि रिडबर्ग नियतांक का मान आर है, ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था की मूल क्वांटम संख्या एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कैलकुलेशन क्या है, इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा आर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ रहा है तो 1 स्क्वायर, और nth ऑर्बिट से आ रहा है तो n का स्क्वायर। हमको n के लिए यहाँ पर बच्चों एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इस r को पहले डिवाइड कर दो तो 1 बाय लैम्डा r इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 बाय n स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय लैम्डा r के इक्वल। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं तो 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा आर माइनस 1 डिवाइड बाय लैम्डा आर। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पर रिवर्स करके अंडर रूट ले लेंगे तो एन का एक्सप्रेशन हमारे पास डिराइव होकर आ जाएगा, जो लैम्डा आर डिवाइड बाय लैम्डा आर माइनस 1 के इक्वल होगा, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चेक करते हैं बच्चों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप देखो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर है तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा आपका। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट एक्सप्रेशन? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, यानी ये न्यूक्लियस फिजिक्स का क्वेश्चन बना बच्चों हमारा। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन 1s2 इज 1.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ठीक है, एंड द अल्फा पार्टिकल 2He4 हैज़ द बाइंडिंग एनर्जी 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर न्यूक्लियन। इज इट क्लियर? देन इन द फ्यूजन रिएक्शन, आपको इस फ्यूजन रिएक्शन के अंदर आपको बताना है द वैल्यू ऑफ द क्यू, यानी कितना यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द RHS साइड माइनस LHS साइड। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर क्यू वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है तो क्यू वैल्यू किसके इक्वल होगा, अब आप देखो RHS साइड जो है हीलियम है तो ये 4 × हीलियम की एनर्जी, आपको हीलियम की एनर्जी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 7.047 के इक्वल है। इसमें से माइनस करेंगे RHS LHS साइड की एनर्जी, LHS साइड के अंदर बेटा आपको न्यूट्रॉन दे रखा है और 2 पार्टिकल दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 2 × 2। अच्छा, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं और क्वेश्चन में आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को जो है मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 × ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1.12 के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी यहाँ पर एक कैलकुलेशन बन जाएगी जिसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, और सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है नियरली जो आंसर आपका अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है, वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 23.8 के इक्वल। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस में लेते हैं। इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ द मास इक्वल
टू द 1 AMU. 1 AMU के इक्वल कितना मास होता है, ठीक है? तो ये एक डाटा होता है बेटा, 1 AMU जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 931 MeV, ठीक है? क्लियर? ये एनर्जी बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है. इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल सा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? हैवी वाटर इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है? यानी नाभिकीय संयंत्र में भारी जल प्रयुक्त किया जाता है. तो हैवी वाटर का जो यूज होता है बेटा, ये यूज होता है फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना, ताकि ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो फर्दर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है? ये जो होता है हैवी वाटर, या फिर हम जिसको कह सकते हैं भारी जल का काम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्लियर हमको नजर आ रहा है बेटा, इसके अंदर आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, ठीक है? यानी न्यूट्रॉन्स को मंदित करने का काम आता है, इसको हम मंदक भी कहते हैं, ठीक है? क्लियर? तो ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, किसके लिए दे रखी है बेटा? न्यूट्रॉन के लिए दे रखी है, और वैल्यू आपको दे रखी है, और आपसे पूछा गया है मास डिफेक्ट इन द एटॉमिक मास यूनिट कितना होना चाहिए, ठीक है? तो 1 AMU की एनर्जी भी हमने देखी है, तो अब आपको ये बताना है कि टोटल यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर जो मास डिफेक्ट है वो कितना होगा यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए. तो अगर आप मास डिफेक्ट देखेंगे डेल्टा एम, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो गया, 1.15. इसको हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है? और 1 AMU के अंदर जो एनर्जी होती है नियरली 31.15 के इक्वल लेते हैं, ठीक है? तो जब आप ये पैरामीटर सॉल्व करोगे तो AMU के अंदर डाटा निकल करके आएगा आपके पास वैल्यू, और ये वैल्यू आएगी 0.0024 के इक्वल AMU, ठीक है? तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन. यस, इसके अंदर देखो क्या लिखा है, द पावर ऑब्टेन इन द रिएक्टर यूरेनियम-235, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन इज 100 किलोवाट, ठीक है? ये आपको पावर दे दिए. मास डीके यूरेनियम 235 पर आर, कितना पर आर मास डिफेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है? तो एज वी नो दैट द मास डिफेक्ट विल बी इक्वल टू द एनर्जी दैट विल बी इज गिवन एज MC², ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पर अगर एनर्जी निकालोगे और आपको मास डिफेक्ट पर आर कैलकुलेट करना है, तो ये तो हो जाएगा आपका 10³ किलोवाट हो गया है, ठीक है? क्लियर? 1000 है तो ये एक 10³ और आ जाएगा, और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 हो जाएगा सेकंड के अंदर, हमने आर में चेंज कर दिया. एम की वैल्यू आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है, ठीक है? और C² का हम बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो ये डाटा हम यहाँ पर बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3600 × 10⁶ डिवाइड बाय 9 × 10⁶, ठीक है? दैट विल बी इक्वल टू एम वैल्यू आ जाएगी 16. ऊपर ले जाएंगे बच्चों हम यहाँ पर, -16 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, यानी माइनस का 10 हो चुका है, 2 जीरो हम यहाँ पर और ले सकते हैं, ठीक है? क्लियर? तो ये वैल्यू हो जाएगी एम इक्वल टू हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 9 × 10⁻¹ ये माइनस के 10 और -2 जो हो जाएगा ये -8 के इक्वल हो गया, ठीक है? इसको आप यहाँ पर इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो m वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी 4 × 10⁸ के इक्वल, ठीक है? तो बच्चों यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है? अच्छा, ये जो आंसर आएगा ये आंसर हमारे पास किस में आएगा, kg में आएगा, ठीक है? जबकि आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर तो ग्राम में दे रखा है, ठीक है? तो इसको हम बच्चों यहाँ पर ग्राम में चेंज कर देते हैं. तो ये 4 × 10⁻¹ × 10³. अब ये वैल्यू बेटा ग्राम में चेंज हो जाएगी, जिसको आप लिख सकते हैं 4 × 10⁵ के इक्वल, ठीक है? और इसको अगर आप 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर देंगे तो यही फिगर जो है 40 × 10⁻¹ के इक्वल आएगा, ठीक है? जिसको आप 40 μg भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आई थिंक बच्चों इसके अंदर हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, ठीक है? क्या ये बात क्लियर होगी हम सभी को? क्लियर? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पर.
The mass number of the helium is 4 and that of the sulfur is 32. The radius of the sulfur nucleus is larger than the that of the helium nuclei. ठीक है, आपको ये बताना है कि हीलियम की नाभिक की द्रव्यमान संख्या 4 है, सल्फर की बेटा 32 है, तो सल्फर का नाभिक की त्रिज्या जो है हीलियम की त्रिज्या के कितने गुना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया था बेटा, जिसके अंदर हम लिखते हैं आर प्रोपोर्शनल जो होता है ए की पावर 1/3 होता है। ठीक है, तो अगर आप आर सल्फर ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय आर, आपको यहाँ पर हीलियम दे रखा है, क्लियर, तो यहाँ पर सल्फर के लिए वैल्यू आ जाएगी 32, ठीक है, हीलियम के लिए वैल्यू बेटा 4 और इसकी पावर आ जाएगा 1/3, यानी ये हो जाएगा 8 का पावर 1/3, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, यानी सल्फर का न्यूक्लियर साइज जो है वो हीलियम के न्यूक्लियर साइज का क्या होगा, डबल होगा, यानी 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमको। यहाँ पर गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द इन द रिएक्शन ऑफ दिस वन रिएक्शन आपको दे रखी है। ठीक है, इफ द टेंडिंग एनर्जी ऑफ आपको ड्यूट्रॉन 1s2 1s3 और 2h4 आर रिप्रेजेंटेटिव ए बी सी, ठीक है, देन द एनर्जी इन द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज इन द रिएक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बंधन ऊर्जाएं दे रखी हैं, बाइंडिंग एनर्जी जो है, ठीक है, उसकी बात की गई है, बाइंडिंग एनर्जी जो लिखी हुई है ए बी सी है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था बाइंडिंग एनर्जी जो क्यू वैल्यू होती है। ठीक है, आपसे पूछा गया है एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यानी मुक्त ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्यू एनर्जी की वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द आर एच एस साइड माइनस एल एच एस साइड। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस हो जाएगा, ये डिफरेंस सी माइनस ए प्लस बी के इक्वल होगा, जिसको आप लिख सकते हैं सी माइनस माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। तो कौन सा एक्सप्रेशन मैच कर रहा है बेटा हमारा यहाँ पर, सेकंड एक्सप्रेशन मैच कर रहा है जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी इन द सन इज जनरेटेड मेनली, ठीक है, सूरज पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो सूरज पे बेटा जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है, वो आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर ही आपको संलयन अभिक्रिया नजर आ रही है। ठीक है, यानी ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उनका बीच में फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, क्लियर, तो रासायनिक परमाणुओं के हाइड्रोजन एटम्स का जो आपका फ्यूजन रिएक्शन होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ सन, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियम इज 1600 ईयर्स। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियम दैट वुड बी रिमेन्स आफ्टर द 6400 ईयर्स। ठीक है, यानी रेडियो का आपका अर्धायु काल दे रखा है था, तो 6400 वर्ष पश्चात रेडियम के शेष बचे अंश की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस के अंदर आप देखेंगे रिलेशन हम जो यूज़ में लेते हैं, एन इजकल टू एन नॉट 2 की पावर n लिखते हैं। ठीक है, आपको लर्न होगा ये रिलेशन। तो n वैल्यू जो होती है ये किसके इक्वल होती है, टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, तो टाइम आपको दे दिया गया है यहाँ पर 6400, हाफ लाइफ जो है आपके पास 1600 है, इसको जब आप इससे कट करेंगे तो ये वैल्यू जो है 4 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस वन विल बी इक्वल टू द n अपॉन n नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर 4। ठीक है, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/16 के इक्वल। क्लियर होगी बात ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, हाफ लाइफ ऑफ द 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी। आपको ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स और 40 मिनट्स की वन है। ठीक है, द सैंपल हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली, ठीक है, आफ्टर 80 मिनट्स द रेशो ऑफ द डीके न्यूक्लियाई, ध्यान से देखिए यहाँ पर डीके न्यूक्लियाई पूछा गया है, यानी वो न्यूक्लियाई जो विघटित हो चुके हैं, डीके हो चुके हैं, ठीक है, उनका नंबर
जो है उसका रेशो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम जो डी के न्यूक्लियाई के रिलेशन यूज़ में ले सकते हैं, एन इजकल टू एन नॉट वन माइनस टू की पावर एन, ये रिलेशन चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ए के लिए बात करेंगे, एन वैल्यू निकालें ए के लिए, तो ये टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ होता है। ठीक है, तो टाइम आपको 80 मिनट्स का दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, ये देखो 80 मिनट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 80 डिवाइड बाय हाफ लाइफ जो है इसकी 20 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 4 आ गई। ऐसे अगर हम सेकेंड के लिए हम डिस्कस करते हैं बी के लिए, तो टाइम है 80, हाफ लाइफ है बेटा 40, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर डी के न्यूक्लियाई का रेशो निकालेंगे ए के लिए और बी के लिए, ठीक है, तो इनिशियल न्यूक्लियाई दोनों ही केस के अंदर क्या है, सेम है। यहाँ पर यहाँ एन वन वैल्यू आएगी, ये एन नॉट हो जाएगा, 1 - 2 की पावर एन टू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल न्यूक्लियाई सेम है, तो ये वैल्यू तो क्या होगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 4 हो गया है और यहाँ पर 1 - 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 बाय 16 डिवाइड बाय 1 - 1 बाय 4। ठीक है, तो दिस वन वैल्यू इक्वल टू 15 बाय 16 हो जाएगा, ये वैल्यू आपके 3 बाय 4 होगी। अब इससे हम यहाँ पर इजीली रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 बाय 16 इंटू 4 बाय 3। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा 4 बार, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 बाय 4। ठीक है, तो ये रेशो आ जाएगा आपके पास 5:4, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके अंदर, थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्रॉप टू 1/16 ऑफ द इनिशियल इन द टाइम 30 सेकेंड। ठीक है, इट्स हाफ लाइफ, आपसे हाफ लाइफ कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो एक रेडियो धर्मी पदार्थ के लिए रेडियो धर्मिता जो है 30 सेकंड में उसके प्रारंभिक मान का 1/64 हो जाता है, तो उसकी अर्ध आयु का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर अगर आप डिस्कस करना चाहें यहाँ पर बेटा, तो आपको यहाँ पर टाइम की वैल्यू दे रखी है 30 सेकंड। ठीक है, और आपको ये कहा गया है कि जो डी के पोर्शन है, ठीक है, ये देखो ड्रॉप लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके प्रारंभिक मान का 1/64 रह जाता है। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू आपको दे रखी है इस केस के अंदर, यानी आपको यहाँ पर n अपॉन n नॉट, ये रेशो जो दे रखा है, ये दे रखा है 1/64, जिसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर n लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 की पावर n जो है वो 64 के इक्वल हो गया है। अब 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो n वैल्यू जो है किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और n जो होता है ये दैट विल बी इक्वल टू टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ है, तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 6। तो आपसे क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा गया है, हाफ लाइफ के बारे में पूछा गया है, और टाइम आपको दे रखा है कितना, 30 सेकेंड। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, इसको आप इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 सेकेंड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, 5 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेशन पावर, आपको पेनिट्रेशन पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। ठीक है, और कंपेरिजन जो है बेटा अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स में, तो वी नो दैट दिस पार्टिकल की एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बनती है वो गामा की होती है बेटा, इससे कम एनर्जी बीटा पार्टिकल की होती है और इससे कम एनर्जी अल्फा की होती है। ठीक है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर अरेंज करना है, तो अल्फा से ज़्यादा बीटा हो गया और बीटा से ज़्यादा किसका होगा, गामा के लिए। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने अरेंज कर दिया है। ठीक है, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया आपका यहाँ पर, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स has a half life of 5 years, the fraction of the atom of its material that will be decay in the 15 seconds. ठीक है, 15 years, एक रेडियो एक्टिव समस्थानी की अर्धायु आपको 5 वर्ष दे रखी है। इस पदार्थ का वह अंश जो 15 वर्षों में क्षय हो जाएगा, ध्यान रखें यहाँ पर डी के बात की गई है। ठीक है, तो वापस से यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग जाएगा बेटा आपका, n इजकल टू एन नॉट
वन माइनस टू की पावर एन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। अब एन वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा टी डिवाइड बाय हाफ लाइफ, ठीक है। तो टाइम आपको दे रखा है 15, हाफ लाइफ आपको 5 दे रखी है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर फ्रैक्शन पूछा गया है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आप यहाँ पर अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बन जाएगी आपकी, आपको यहाँ पर जो फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, टोटल का कितना हो जाएगा, तो एन डिवाइड बाय एन नॉट, ये फ्रैक्शन में एन एन की जगह आप लिख सकते हैं एन नॉट, वन माइनस टू की पावर एन डिवाइड बाय एन नॉट, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू बन जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू इक्वल आ जाएगा वन माइनस टू की पावर एन, ठीक है, तो वन माइनस टू की पावर थ्री हो जाएगा। तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/8 होगा, तो आई थिंक दिस वन विल बी इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन चला जाएगा बच्चों, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस में लेते हैं, ठीक है। फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन, द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द बीटा डीके इज, ठीक है। बीटा डीके का एक एग्जाम्पल हमको दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, तो बीटा डीके का उदाहरण क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 15 पी 32 चेंज हो रहा है बच्चों किस में, 16p32 में। तो आप देखो यहाँ पर मास नंबर बेटा जो आपका सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो जेड नंबर है आपका बेटा, एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, वो 15 से 16 हो गया है। अगर 15 से 16 हो जाएगा तो इस केस के अंदर यहाँ पर बीटा माइनस पार्टिकल निकलता है, और जब भी बीटा माइनस पार्टिकल निकलता है तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी एमिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो हो जाएगी बेटा आपकी एक्स, कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू होगी कितनी, वाई के इक्वल हो गई है, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई दो वैल्यू पूछी गई है यहाँ पर, तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल जो होता है दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, एक एंटी न्यूट्रिनो का एमिशन हो रहा है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बीटा प्लस पार्टिकल को बेटा हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, बीटा माइनस पार्टिकल दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन, आपको एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन दे दी बेटा, ठीक है, दिस वन रिएक्शन, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया है इसके अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड, ठीक है। यानी आपको इस रिएक्शन के अंदर ये बताना है कि कितने अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी बेटा एक अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होता है तो मास नंबर जो होता है वो 4 से डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा वो 2 से डिक्रीज हो जाता है। तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मास नंबर के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल देखना है तो मास नंबर का डिफरेंस आ जाएगा आपका 232 में से आप 204 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 4 हो जाएगा, ये टोटल आपका 28 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन विल बी कैंसिल आउट एट द 7 टाइम्स, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आ गया बेटा 7 आ चुका है यहाँ पर, यानी 7 अल्फा पार्टिकल्स का यहाँ पर टोटल एमिशन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन में देखते हैं हम, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हमें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में लिए हैं बेटा यहाँ पर, जो नीट बेसिस और एनसीईआरटी बेसिस हैं, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल इज 64×10⁻⁵ क्यूरी, इट्स हाफ लाइफ आपको गिवन है बच्चों ऑफ 3 ईयर्स है, 3 डेज दे रखी है। द एक्टिविटी विल बी बिकम दिस वन आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो आपको यहाँ पर किसी पदार्थ की प्रतिदर्श की प्रारंभिक सक्रियता दे रखी है, अर्धायु का मान आपको 3 दिन दे रखा है, तो कितने दिन बाद सक्रियता का मान ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्टिविटी की हम बात करना चाहें तो ए इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों हम, ए नॉट डिवाइड बाय 2 की पावर एन, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अगर आप 2 की पावर एन कैलकुलेट करेंगे तो ये ए नॉट डिवाइड बाय ए हो जाएगा। तो इनिशियल एक्टिविटी जो है, ठीक है, ये आपको दे रखी है बेटा 64×10⁻⁵ डिवाइड बाय, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5×10⁻⁶, ठीक है। ये माइनस सिक्स ऊपर ले जाएंगे बच्चों, प्लस सिक्स हो जाएंगे, ठीक है।
तो 6 और माइनस 5 जो है 10 बचेगा, यानी 64 इंटू 10 डिवाइड बाय 5। अब 5 को इससे कैंसिल कर सकते हैं टर्म 2 बार, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 128 के इक्वल। लेकिन हमको तो क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप 2 की पावर n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 128, और 2 की पावर n जो है 128 जो हो जाएगा एट 2 की पावर 7। तो कंपेयर करोगे तो n वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर 7 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमको n वैल्यू पता चल गई है तो स्मॉल n का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, स्मॉल n जो होता है दैट विल बी इक्वल टू टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ आपको इस क्वेश्चन में 3 डेज दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो ये जो टाइम है, ये टाइम आपको फाइंड आउट करना है, दिस वन वैल्यू इज़ द 3 डेज। तो ये 7 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा, जो कितना होगा टोटल टाइम जो निकल कर आएगा आपका 21 डेज के इक्वल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बच्चों, 4th ऑप्शन चला गया, ठीक है, क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन हमको यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर का। ड्यूरिंग द नेगेटिव बीटा पार्टिकल, ठीक है, नेगेटिव जो है ऋणात्मक बीटा क्षय कब होगा, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस बीच हो गया, ठीक है। तो अगर हम पहली रिएक्शन को यहाँ पर चेक करना चाहें, ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन जो है किस में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन में, यानी 1PH1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो एटॉमिक नंबर है 0 से 1 हो चुका है, तो इसका मतलब यहीं पर बीटा माइनस पार्टिकल जो है वो एमिशन होगा, साथ के साथ यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी एमिशन होगा, ठीक है। तो दैट विल बी द कन्वर्जन ऑफ द न्यूट्रॉन इन द प्रोटॉन, ठीक है, क्लियर। और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है बेटा, तो उस समय बीटा प्लस पार्टिकल का एमिशन होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, यस, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन प्लॉटेड अगेंस्ट द मास नंबर फॉर द स्टेबल न्यूक्लियाई इज शो इन द फिगर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कर्व इज द करेक्ट, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का बेटा जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से होता है, यहाँ पर आप लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी बार, ठीक है, यहाँ पर आपका मास नंबर आ जाता है। तो एक्चुअल कर्व जो होता है बेटा इसका कुछ इस तरीके से जिगजैग शेप के अंदर ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कंपैरिजन जो किया गया है वो लाइक दिस वन कर्व से कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो कर्व चला जाएगा, ये कर्व आपका सी नंबर का चला जाएगा जो इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा इस मॉडर्न फिजिक्स का ये जो हमारा DCM पेपर था, इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा है, कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया है, और क्वेश्चन के साथ हमने कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन में लिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये आपका पूरा डिस्कशन आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।